चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे थे कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन होगा। अब इसमें जो बीटल्स हैं, जो यहाँ पे ग्रीन वाले बीटल्स हैं, उनकी जो वेरिएशन थी उसने उसको बेनिफिट दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टन जीन चेंजेस ओवर जनरेशन। जो बेसिक आइडिया है इवोल्यूशन का, ये एक लाइन सभी बच्चे अंडरलाइन कर लेना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टन जीन्स चेंजेस ओवर जनरेशन, दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ये भी नहीं कहता कि नई स्पीशीज बन रही है, इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो आते जा रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और उसी को हम कह रहे हैं इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है। पहली बात, अब फ्रीक्वेंसी उसमें भी चेंज हुई थी, ब्लू वाले में भी चेंज हुई थी, ठीक है, इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन दोनों में यहाँ पे कोई डिफरेंस बता सकता है ब्लू वाले में और इस वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में? मतलब उसमें नहीं हो रहा था इसमें बेनिफिट। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेरिएशन का बेनिफिट है वो उस एग्जाम्पल में उसको सर्वाइवल के लिए कोई बेनिफिट नहीं किया था उसने, यहाँ पे जो वेरिएशन है उसको सर्वाइवल के लिए बेनिफिट कर रही है। ये सर्वाइव कर गया तो इसको हमने कहा इट इज फिट, सर्वाइव कर गया तो ये फिट है, अब इसका करेक्टर जो है आने वाली आगे जनरेशन में भी पास ऑन हो जाएगा। तो ये तो था कि किस तरह से वेरिएशन आती है, किस तरह से इवोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे ये थ्योरीज वाला पॉइंट कंप्लीट है, हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी के भी डिस्कस किए हैं। अब एक इसमें एक और पॉइंट आता है करेक्टर्स का, एक्वायर्ड करेक्टर्स एंड इनहेरिटेड करेक्टर्स। मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, क्या आपको दोबारा करवाऊं या आपको क्लियर है? क्लियर है मैम, क्लियर है मैम। हाँ, बस एक लाइन में आपने याद रखना है कि आफ्टर बर्थ जो एक्वायर किए जाते हैं वो सारे एक्वायर्ड करेक्टर हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो डीएनए है, जर्मिनल सेल्स हैं जो हमारी, उसके डीएनए में कोई चेंज नहीं आया, तो इसकी वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होंगे। तो इसमें माइस की टेल का एग्जांपल आपको दिया गया है कि काफी जनरेशन तक हमने काटी लेकिन फिर भी ऐसा कोई माइस नहीं जो है रिप्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूस हुआ कि जिसमें कोई की टेल हो ही ना, तो वो एक्वायर्ड है। इनहेरिटेड है जो बाई बर्थ हमारे में है प्रेजेंट, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं। ये भी आपका उसमें पॉइंट दिया गया था, तो आपने ये एक बार देख लेना है वहां पे। अब हम बात आ जाती है स्पेशिएशन, लास्ट पॉइंट था हमारा यहाँ पे स्पेशिएशन। एक स्पीशीज से नई स्पीशीज कैसे फॉर्म होती है? ये क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अ स्पीशीज, एक स्पीशीज से नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होना, ठीक है, फ्रॉम स्पीशीज बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से एक नई जो बनी है वो जो उसकी इमीडिएट एंसेस्टर पिछली स्पीशीज थी उसके साथ वो ब्रीडिंग ना कर पाए, तो उसको कहते हैं स्पेशिएशन। अब जो इससे पहले हमने देखा, हमने बीटल्स के लेवल पे काफी कुछ देखा अभी कि कैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, पहले वाली पॉपुलेशन से नई वाली जो वो स्पीशीज है या जो नए बीटल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है माइक्रो इवोल्यूशन का। माइक्रो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एट अ बेसिक लेवल, एक बेसिक लेवल पे चेंज आना, उसको कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा
वो माइक्रो इवोल्यूशन था। माइक्रो इवोल्यूशन में बताया जाता है कि किस तरह से इवोल्यूशन स्टार्टिंग स्टेजेस में होता है और किस तरह से एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अब ये चेंज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी तभी तो नई स्पीशीज बनेगी। मीन ये काफी लंबी प्रोसेस है। तो इसके लिए अगर स्पेशिएशन चाहिए तो उसके लिए दो चीजें हैं जो जरूर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके लिए दो पॉइंट मैटर करते हैं। एक तो जियोग्राफिक आइसोलेशन और दूसरी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जियोग्राफिक आइसोलेशन मीन अगर वो उस एनवायरनमेंट से सेपरेट हो जाता है, जियोग्राफिकली सेपरेट हो जाता है, तब जो है वो धीरे धीरे एक मतलब हम कहेंगे इवोल्यूशन के वे पे चल पड़ा है, एक नई फॉर्मेशन के वे में चल पड़ा है। अगर वो वहां से मूव कर जाता है, चाहे वो बाई चांस करे, चाहे अपने आप करे, कैसे भी करे, अगर वो मूव करता है तभी नई स्पीशीज की फॉर्मेशन में एक सीक्वेंस चलेगा। अगर मान लो वो ब्लू रेड वाली वहीं थी, ब्लू वाली भी वहीं थी, ग्रीन वाली भी वहीं रहती गई और उन्हीं में आपस में जो है रिप्रोडक्शन होता रहा, तो कोई नई स्पीशीज की फॉर्मेशन नहीं होगी। वहां पे चेंज आना चाहिए। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो सबसे लास्ट में होती है, पहले जियोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे बीटल्स वाले एग्जांपल दिए हैं इन्होंने। क्या एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया, देखो आइसोलेशन कैसे कैसे हो सकती है। इन्होंने कहा कि आइसोलेशन सबसे पहले जियोग्राफिकल आइसोलेशन कैसे होगी। मैंने आपको बताया कि सारी की जो पॉपुलेशन है वो एक काफी बड़े माउंटेन एरिया पर फैली हुई है सारी बीटल्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जीन फ्लो होना चाहिए। पहली बात तो कि एक ऑर्गेनिज्म वहां से मूव करना चाहिए दूसरी पॉपुलेशन में, छोटा सा स्टेप है लेकिन मूव कर रहा है वो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ वाली बुशीज हैं, चार बुशीज यहाँ हैं, दो तीन यहाँ पे है, दो तीन बुशीज यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। तो अगर बाई चांस यहाँ से हवा के थ्रू कोई उड़ के बीटल यहाँ आ गया या क्रो ने उसको यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, तो वो इस पॉपुलेशन की एलील की फ्रिक्वेंसी को चेंज करेगा थ्रू मूवमेंट। वो इससे आइसोलेट हुआ है लेकिन कंप्लीटली आइसोलेट नहीं हुआ, क्योंकि एरिया तो अभी तक भी एक ही है, माउंटेन ही है। तो पहला स्टेप इन्होंने कहा कि आइसोलेशन या तो जीन फ्लो के थ्रू हो, पहली बात जीन फ्लो होना चाहिए, लेकिन जीन फ्लो भी उसको ज्यादा बड़े एरिया तक नहीं फैला पाता है जीन फ्लो भी। तो या अब इससे अच्छा क्या होना चाहिए कि अगर यहां पर रिवर हो और रिवर के इस तरफ भी बीटल्स की पॉपुलेशन हो। अब देखो अगर ये बाई चांस यहां से यहां तक पहुंचते हैं किसी भी रीजन से, तब ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन मानी जाएगी, क्योंकि अब ये टोटली अपनी जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशंस हैं उनमें से मूव कर गया एक नई पॉपुलेशन में। तो इसको जो है मेनली हम क्या कहेंगे कि अगर लार्ज बड़ी जियोग्राफिकल आइसोलेशन आती है वो काफी बड़ा रोल प्ले करेगी यहाँ पे आइसोलेट करने में, उसको जियोग्राफिकल आइसोलेट करने में, ठीक है। तीसरा आ जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है कि मान लो कि अगर इसी पॉपुलेशन में और इस पॉपुलेशन में, इसमें तो क्रो थे, ठीक है, क्रो इधर भी उड़ सकते हैं इधर भी उड़ सकते हैं क्रो, तो क्या उस एरिया में आ गई ईगल, ईगल ने उन वहां से क्रो को हटा दिया। अब ईगल तो क्या कर रही है, ये बाई चांस हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये बाई चांस हुआ कि जो क्रो था उसको ईगल ने वहां से रिमूव कर दिया, काफी सारे क्रो को। अब ईगल तो इन बीटल्स को नहीं खाती है, क्रो खाया करता था। अब क्या होगा, यहां बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, जो कोई रेड थे, कोई ग्रीन थे, कोई ब्लू थे, उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा बिकॉज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये हो सकता है जीन फ्लो के बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट जो काफी बड़ा चेंज लाता है। और लास्ट वाला तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, नेचुरल सिलेक्शन अगर हो जाता है तो वो स्पीशीज
जो है वहां से जियोग्राफिकल आइसोलेट हो गई और उसमें नेचुरल सिलेक्शन भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो स्पीशीज पुरानी वाली स्पीशीज से बिल्कुल डिफरेंट वे पे इवोल्यूशन पे चल पड़ेगी और वो इवोल्यूशन की तरह नई स्पीशीज की फॉर्मेशन में जो है वो काफी नजदीक आ जाएगी। तो सबसे बड़े दो स्टेप होते हैं आपकी एनसीईआरटी में, देखना, दो स्टेप बताए हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन जो है ये पॉपुलेशंस में काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और ये नई स्पीशीज की फॉर्मेशन में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गई, वो सिलेक्शन हो गया, ये सब होने के बावजूद नए एनवायरनमेंट में चले गए, वहां पे जाके उन्हीं की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, उन्हीं का करेक्टर बहुत ज्यादा हो गया। जैसे मैंने फिंचेस की बात करी थी, याद रखना कि वो अलग अलग आइलैंड पे चली गई, उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो नेचुरली सिलेक्ट भी हो गई। देखो उनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गई फिंचेस में, अलग अलग आइलैंड पे चली गई, ठीक है। उसके बाद जो उनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा कि नेचुरली सिलेक्शन होके उनकी बीक का साइज था जिसकी वजह से उनमें नेचुरली सिलेक्ट हो गया। अब क्या वो पुरानी एंसेस्ट्रल स्पीशीज के साथ दोबारा से ब्रीडिंग कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो अभी नई स्पीशीज नहीं बनी। अब क्या फाइनल स्टेप बच गया कि उनके डीएनए में ऐसा चेंज आ जाए या उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऐसा कोई चेंज आ जाए जिसकी वजह से वो पुरानी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन ना कर पाए, तब हम कहेंगे कि अब एक न्यू स्पीशीज बन चुकी है। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसकी वजह से उनकी ब्रीडिंग नॉर्मली ना हो पाए पुरानी स्पीशीज के साथ, जो उसका जहां से वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से आया था उसके साथ ना हो पाए, तब हम कहें अब वहां मूव भी कर रहा है, मान लो बीटल वहां चला भी गया, फिंचेस वहां चली भी गई, पर उनमें ब्रीडिंग नहीं हो रही है, तो उसको हमने क्या कह दिया कि अब जो ये स्पीशीज बनी है ये एक नई स्पीशीज बन चुकी है। क्या आप सभी को यहां तक पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है? I'm clear. ध्यान रखना है, पहला स्टेप जियोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, फिंचेस को याद कर लेना अगर बीटल्स का याद ना रहे। फिंचेस पहले जो है जियोग्राफिकली आइसोलेट हुई थी, उसके बाद रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हुई थी, रिप्रोडक्शन बाद में नहीं हो पाया उनमें, इतने चेंजेस आ गए थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में कि वो अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन जो पहले थी उसके साथ वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, तो अब वो एक नई स्पीशीज बन चुकी है, इवोल्यूशन प्रोसीड हो चुका है, नई स्पीशीज बन चुकी है। सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अच्छा, जो जितने भी बच्चे हैं एक बार सभी थंब का इंप्रेशन दे, सभी बच्चे एक बार, जिन जिन बच्चों को ये क्वाइट क्लियर हो चुका है वो थंब का इंप्रेशन दें कि हमें ये जो इवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। समरदीप बेटा, आपको नहीं हुआ क्लियर, कुछ दिक्कत है? ठीक है, समीर को भी क्लियर हो गया है। अभी भी कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी भी, ठीक है। अब एक छोटा सा आपका यहाँ पे एक पॉइंट है, जो कल आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है इन द मॉर्निंग, कितने बजे क्लास लूं मैं चाहती हूँ, मैं बहुत ही जल्दी क्लास लूं आपकी, कितने बजे लूं कि ये चैप्टर का बहुत ही छोटा सा पार्ट बचा हुआ है हमारा फॉसिल्स वाला, और ये आप ये बता दें कि मॉर्निंग में लूं या फिर आपकी जो क्लास है वो इवनिंग में लूं, ये दोनों बता दो, जैसे आप कहोगे वैसे ही लूंगी मैं। मैम सुबह ही ले लेना, दोपहर में सुबह ही ले लेना मैम, सुबह। आपकी दोपहर में क्लासेस किस किस की हैं टीचर्स की? कल हमारी तो नहीं है, एसएसटी की क्लास है। चलो ठीक है, मॉर्निंग में आप ये मुझे बताएं 7 से लेके 9 बजे के बीच में किसकी क्लास होती है आपकी? मैम असेंबली होती है सुबह, तो हिंदी और असेंबली। अच्छा, वो तो 7 बजे होती है मेरे ख्याल से, 7 बजे या उससे पहले हो जाती है? 7 बजे शुरू होती है, 7 से 8:30 तक का टाइम रख लें अगर किसी और का पीरियड नहीं है। क्या आपने टाइम टेबल देखा है सभी ने, बच्चों ने? हम टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं करता। 2 मिनट, ठीक है। तो
तो अब स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं। जो क्लासिफिकेशन आज हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स देखते हैं वो हमने कैसे बनाए थे, क्या इवोल्यूशन ने ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग में कोई रोल प्ले किया है? बहुत ही ज्यादा रोल प्ले किया है, क्योंकि कि अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो ये हमें बताता है कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कितने वो नियरली रिलेटेड है, कितने वो फार रिलेटेड है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम किन्हीं ऑर्गेनिज्म में जो करेक्टरिस्टिक्स है कुछ कॉमन करेक्टर देखते हैं, तो ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हमें बताती हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से रिलेटेड है बाय देयर डिसेंट। मींस उनका सभी का जो एंसेस्टर है वो एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, जिसकी वजह से उनमें सब में ये एक कॉमन करेक्टरिस्टिक पाई जाती है। तो जैसे अब इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनके जो फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल करेक्टर्स जो है एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो एक नियरली जो डिसेंट है उससे दोनों रिलेटेड हैं, क्योंकि किससे रिलेटेड है वो अपने वो एक ही पेरेंट के आगे ऑफस्प्रिंग है, तो उनका जो दोनों का हम कहते हैं नियरेस्ट जो डिसेंट है वो उनके पेरेंट हैं, तो इसलिए हमने उनको एक ब्रदर और सिस्टर एक क्लोज्ड ग्रुप में रखा। मान लो ये हम कह रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनका कॉमन डिसेंट उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन उनके जो कजिन हैं वो उनकी और उनकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक सेम हैं, लेकिन उनका जो डिसेंट है वो थोड़ा दूर का है, वो क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स, वो इसके थ्रू रिलेटेड है, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन नहीं मानेंगे, ये कॉमन है ग्रैंड पेरेंट्स उनके, ठीक है। तो इसके आगे वाला हम ग्रुप बनाएंगे कि कजिन के बाद किसी और रिलेटिव दूर वाले को लें, तो उनका हो सकता है काफी दूर वाला पीछे वाला रिलेटिव से हम मैच करते हों। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी होता है कि जो हम एक ग्रुप में रखते हैं उनका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होती है और वो किसी नियरेस्ट डिसेंट को इंडिकेट करते हैं कि उनका ओरिजिन किसी नियरेस्ट जो है डिसेंट से या एंसेस्टर से हुआ था उनका। तो इस तरह से जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो अल्टीमेटली हम इस तरह के ग्रुप बनाते हैं। पहले हमने ये ग्रुप बनाया ए और बी, इनका एंसेस्टर है मान लो ये वाला आई, इधर ये है सी और डी, कोई भी स्पीशीज है उनमें इससे कुछ करेक्टरिस्टिक मैच करते हैं, इनका अपना नियरेस्ट था जे, ठीक है, लेकिन ये जे और इसमें भी कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैच करती हूं यहां पे एफ से, हो सकता है यहां पे एक और हो जिनमें इनसे रिलेटेड कुछ के है, जिसमें एक आधी करेक्टरिस्टिक इनसे मैच करती है, हो सकता है कि ये इसके थ्रू रिलेटेड हो, क्योंकि इसकी इसकी और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें कुछ कॉमन लग रही हैं, तो इनका कोई ना कोई नियरेस्ट डिसेंट होगा। और इसका हमें पता चला एक और बड़ा ग्रुप है वो पीछे किसी और से, उनमें भी कुछ करेक्टर थोड़े से सेम है, वो किसी और से, आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन में हम ऐसे ही अरेंज करते हैं स्पीशीज जो है उनमें काफी सारे करेक्टर सेम होते हैं एक ग्रुप में है, अलग अलग स्पीशीज थोड़े से करेक्टर सेम है एक जीनस के अंदर हैं। इस तरह से क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन लिंक्ड है। अल्टीमेटली जब हम ऐसा करते जाएंगे, इनका कौन कॉमन है ये वाली बने, इनका कौन कॉमन है, ऐसे करते जाएंगे तो हम एट लास्ट उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पहुंच जाएंगे जो अर्थ के ऊपर सबसे पहले प्रेजेंट था और जो सभी लाइफ फॉर्म्स का कॉमन एंसेस्टर है। तो ये कहा जाता है कि जो क्लासिफिकेशन है और इवोल्यूशन है वो इंटरलिंक्ड माने जाते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। यूनिसेलुलर है, पहले प्रोकैरियोटिक थे,
उनसे डिफरेंट आगे जाए तो उनमें डिफरेंस आ गया, यूकैरियोटिक हो गए, यूनिसेलुलर को अलग कर दिया, मल्टी सेलुलर को अलग कर दिया, लेकिन जब उनके कैरेक्टरिस्टिक को मैच करना स्टार्ट करोगे तो आप एक कॉमन एंसेस्टर के ऊपर पहुंच जाओगे जो कि जिससे आपको पता चलेगा कि वो अब कौन किसके इवोल्यूशन के कितने नजदीक है। जैसे अब हम हमारी बात करते हैं, यहाँ पे है ह्यूमन बींग्स और यहाँ पे मान लो एप्स हैं, ठीक है। कहा जाता है कि हमारा डीएनए और एप्स का डीएनए बहुत ज्यादा सेम है, तो इवोल्यूशन में हमारा और इनका कोई एंसेस्टर एक कॉमन रहा होगा जिससे ह्यूमन का इवोल्यूशन सेपरेट हो गया और एप्स इवोल्यूशन में सेपरेट हो गए, लेकिन उनके बीच में जो क्रोमोसोमल डीएनए की सिमिलरिटी है वो इसी वजह से है क्योंकि उनका एक कॉमन एंसेस्टर था। तो आज इसीलिए हम कह देते हैं कि इवोल्यूशन में एप्स हमारे बहुत ज्यादा नजदीक हैं। इसका मतलब अगर मान लो डीएनए में चेंज आया, एप्स के डीएनए में भी 10% चेंज आया है और हमारे डीएनए में मान लो, मैं वैसे ही एग्जांपल दे रही हूं कि 11% चेंज आया, इट मींस सेम ही चेंज आया है डीएनए में, बाकी सारा सेम है, तो इट मींस इनका एंसेस्टर बिल्कुल ही नजदीक से रहा होगा। अब इसमें तो आया है 1% और इसमें आ गया है 10%, तो इवोल्यूशन में ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग मिलेंगे, बहुत ज्यादा दूर मिलेंगे, कहीं पे इनकी दूर में सिमिलरिटी मिलती होगी, नजदीक में इनकी सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। तो ये तो था किस तरह से इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इन्होंने बताया कि जैसे हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं तो हमें किसी के भी एक कॉमन एंसेस्टर का पता चल जाता है। ये आइडिया आपको क्लियर है कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन किस तरह से इंटरलिंक्ड है, सभी को पता चल गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर हम इवोल्यूशन को फॉलो करेंगे, ग्रुपिंग करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली आज हमें पता है कि जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे वो हिटरोट्रॉफिक या कीमोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म थे वही हम सबके कॉमन एंसेस्टर हैं। ये हमें डीएनए को और कैरेक्टर को स्टडी करके, दोनों को, डीएनए में क्या चेंज आया और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हमें तब पता चला है कि हमारा कॉमन एंसेस्टर कौन है। तो अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, हम एक पॉइंट यहाँ पे मैं जरूर आपको बताऊंगी, नाम नाम से आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, व्हाट आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, क्या हमारे पास कोई प्रूफ भी है कि इवोल्यूशन हुआ है, तो वो प्रूफ क्या है। लास्ट टॉपिक आज का, और ये बहुत ही शॉर्ट में करूंगी आपके लिए मैं, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, 10 मिनट्स हमारे पास हैं, तो 10 मिनट्स में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। एविडेंसेस कौन कौन से हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गन्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, फॉसिल्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एटाविज्म, एम्ब्रियोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 8 मिसिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, फॉसिल वाला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी डिटेल्ड है, बाकी डिस्कस कर लेती हूँ। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं ऑर्गेनिजम्स के जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शंस डिफरेंट हैं।
बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट दैट आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन. जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि आर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, फोर लिंब ऑफ टाइगर या फिर फोर लिंब ऑफ फ्लिपर जो है वो वेल के और विंग्स ऑफ बर्ड, इन सभी को अगर आप देखेंगे तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम है. बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, पहले यहाँ पे जो है एक बोन है, यहाँ पे दो में डिवाइडेड है, आगे वाली जो बोन्स है वो पूरा स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारा का सारा क्या है जो है सेम है. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और आगे वाली फेलेंजेस, बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है. हमारे में फंक्शन है, हम इससे पकड़ते हैं किसी चीज को, जो है अगर टाइगर है तो वो दौड़ता है उससे, ठीक है, और अगर हम बर्ड्स करें तो उससे वो फ्लाई करने के लिए पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, व्हेल्स जो है स्विम करने के लिए यूज कर रही हैं. फंक्शंस आर डिफरेंट बट बेसिक स्ट्रक्चर, या हम कहेंगे ओरिजिन इज सेम, फंक्शंस आर डिफरेंट, उनको हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन सभी का एंसेस्टर कॉमन था जिससे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई, तो इसको कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, या इसके लिए एक और नाम आता है बेटा, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. बता सकते हैं डाइवर्ज करना क्या होता है? फैल जाना, दूर जाना, मतलब दूर जाना, दूर जाना. हाँ, तो ये स्पीशीज अलग अलग होके इनके जो है बेसिक स्ट्रक्चर तो रहा सेम, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में जाके अडेप्टेशन के कारण इनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट हो गए हैं. एक मिनट, ठीक है, तो इनको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स. अब एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन वो है द बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट फंक्शन आर सेम. जैसे विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, दोनों का फंक्शन तो सेम है फ्लाइंग पर्पस के लिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है. बर्ड के विंग्स में फैदर्स होते हैं, बोन्स होती हैं, और जो इंसेक्ट के या बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? एक मेम्ब्रेन से ही बने होते हैं, उसमें कोई बोन्स नहीं होती हैं. तो उस तरह के इवोल्यूशन को कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज में एक कॉमन तरह का कैरेक्टर अपीयर हो जाए तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ये आ गया कन्वर्जेंट, ठीक है. ये हमें क्या बताते हैं कि दोनों का जो है इनका एंसेस्टर, ये कैरेक्टर एक है, सेम कैरेक्टर आ गया, इनके दोनों के जो एंसेस्टर है वो डिफरेंट है. डाइवर्जेंट बताता है कि सबका एंसेस्टर एक कॉमन है, ठीक है, वो एंसेस्टर्स के बारे में हमें बताएगा. तो ठीक है, इसमें आप ये भी देख सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम. जैसे आपको रेडिश कहा जाता है, कैरेट कहा जाता है, ये आपको एक एग्जांपल दे रखे हैं, उसमें आप ये बताएंगे. एक था आपको पोटैटो का, और पोटैटो और स्वीट पोटैटो, वो कौन से ऑर्गन में आएगा, होमोलोगस में या एनालोगस में? होमोलोगस. पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या सेम है, आप बता सकते हैं? पोटैटो क्या होता है, स्टेम या रूट? स्टेम. और स्वीट पोटैटो? क्लियर नहीं है, दैट इज अ रूट. स्वीट पोटैटो इज रूट. द बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम, बोथ आर स्टोरिंग फूड, तो दैट इज एनालोगस. हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये एक आता है आपको, हाँ, एनालोगस, ठीक है. तो एनालोगस और होमोलोगस, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैं नोट्स में सेंड करूंगी कि कौन कौन से हैं. अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. चाहे आप बैक्टीरिया में ले लो, चाहे आप हमारे में ले लो, चाहे आप किसी बर्ड में ले लो, किसी में देख लो, जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है वो बिल्कुल सेम मिलेगा. जीन्स जो है करीबन सेम होती है, और उनसे जो प्रोटीन्स बनते हैं वो भी सेम ही बनते हैं, जो बताता है कि सभी एक दूसरे से रिलेटेड है इवोल्यूशन में. फॉसिल बाद में करेंगे. वेस्टिजियल ऑर्गन आप सभी को पता होगा, जल्दी से बताएं क्या होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन. ऐसे ऑर्गन्स जो किसी हमारी प्रिमिटिव,
हाँ जो अब यूज में नहीं है लेकिन प्रिमिटिव फॉर्म्स में वो यूज में थे, तो आज हमारे पास वो हैं लेकिन वो यूज में नहीं है। जैसे यहाँ पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, यहाँ ईयर की जो मसल है, आपका पिना है, टेल बोन हमारे में प्रेजेंट होती है, ये सारे के सारे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट ये हमारे किसी ना किसी इवोल्यूशन में किसी फॉर्म में ये प्रेजेंट थे जो बताते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। एटाविज्म, कई पुराना कैरेक्टर आज अपियर हो जाए, काफी सारे बेबीज होते हैं जिनमें टेल अपियर हो जाती है कई बार, हालांकि ऑपरेशन से उसको रिमूव कर देते हैं, हमारे में टेल का कैरेक्टर था लेकिन ड्यूरिंग इवोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो गया और वो अब कैरेक्टर अपियर नहीं होता, लेकिन अगर किसी में अपियर हो जाता है तो उसको कह देते हैं एटाविज्म, इट मीन एंसेस्टर्स में वो प्रेजेंट था। एम्ब्रियोलॉजी, आज भी अगर आप एम्ब्रियो देख लें बर्ड की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, इनकी मैमल्स की, इन सब की देख लें तो आपको पता चलेगा कुछ स्टेजेस तो आपको पता ही नहीं लगेंगे कि कौन सी किसकी है, ह्यूमन की कौन सी है, बर्ड की कौन सी है। तो इट मींस एम्ब्रियोलॉजी में भी वो स्टेजेस अपने आप को रिपीट करती हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में आती थी, लास्ट में आगे आके वो चेंजेस आ जाते हैं लेकिन कुछ स्टेजेस तक तो आप पता ही नहीं लगा सकते। तो इसको कहते हैं ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब ओंटोजेनी जो आज हमारी स्टेजेस है, जाइगोट, एम्ब्रियो, आगे की स्टेजेस, वो हमारी फाइलोजेनी को रिपीट करता है जो हमारे एंसेस्टर्स में चलती थी स्टेजेस, वो हमारे में भी आज वही चलती है। अब आगे मिसिंग लिंक, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो दो ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं लेकिन आज वो प्रेजेंट नहीं है, उनको कहते हैं मिसिंग लिंक। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती चलूंगी कि कौन कौन से मिसिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक वो हुआ जैसे आर्कियोप्टेरिक्स एक बर्ड है जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच का लिंक था, आज वो प्रेजेंट नहीं। उसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आ जाएगा कनेक्टिंग लिंक लास्ट, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो आज प्रेजेंट है और दो ग्रुप्स के बीच का जो है वो लिंक होते हैं और हमें उनके बारे में बताते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स रिलेटेड हैं। जैसे कि एक सीलोकैंथ एक फिश है जिसमें एम्फीबियंस के भी कैरेक्टर हैं और फिशेस के भी हैं, तो वो दोनों के इवोल्यूशन को हमें एक्सप्लेन करती है। तो आज हमारी मीटिंग थी यही तक, ठीक है, 40 मिनट्स की मीटिंग है आपकी, कंप्लीट होने वाली है, 1 मिनट बचा है।